नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं इनसाइड स्पोर्ट। आईपीएल में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी की है, साथ ही हार्दिक ने अपनी कप्तानी के हुनर से सबको प्रभावित भी किया है। हार्दिक की कप्तानी में गुजरात टाइटंस आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुकी है। अब हार्दिक को बहुत जल्दी इसका इनाम भी मिल सकता है। इनसाइड स्पोर्ट को मिली जानकारी के अनुसार हार्दिक को भारतीय टीम का कप्तान भी बनाया जा सकता है। क्या है ये पूरा मामला, आइए बताते हैं इस वीडियो में। आईपीएल अब खत्म होने को है, इसके तुरंत बाद ही टीम इंडिया के इंटरनेशनल मैच शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इसके बाद टीम को इंग्लैंड के दौरे पर भी जाना है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज और इंग्लैंड दौरे के लिए चयनकर्ताओं ने 2 अलग अलग टीमें चुनी हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं रोहित शर्मा की अगुवाई में सीनियर टीम जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 1 टेस्ट और सीमित ओवरों की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड से भिड़ने से पहले टीम इंडिया को 26 और 28 जून को आयरलैंड से 2 T20 मैच खेलने हैं। इनसाइड स्पोर्ट को मिली जानकारी के अनुसार हार्दिक पांड्या को आयरलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में भारतीय टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो चलिए इसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल केएल राहुल और ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह मिली है। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि इस महत्वपूर्ण दौरे पर सभी खिलाड़ी पूरी तरह तरोताजा हों, इसीलिए हार्दिक के नेतृत्व में युवा खिलाड़ियों की टीम आयरलैंड के खिलाफ मैदान में उतर सकती है। बता दें कि आईपीएल के इस सीजन गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने खासा प्रभावित किया है। हार्दिक अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कप्तानी के दौरान वो बेहद ठंडे मिजाज से फैसले लेते हैं। इस काबिलियत से हार्दिक ने सहवाग और गावस्कर जैसे दिग्गजों को भी अपना फैन बना लिया है। हार्दिक को टीम इंडिया की कैप्टेंसी सौंपे जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।